देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर बांदा से। खबर यह है कि बांदा में भूमि विवाद में पिता पुत्र के बीच जमकर मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस और साथ के लोगों ने धक्का मुक्की की है, ये भी खबर आ रही है। और बीच सड़क पर काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। पिता और पुत्र के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ गया कि वो सड़क तक आ गया, और न सिर्फ सड़क तक आया, काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जरा देखिए बबेरू में तहसील के भीतर क्या कुछ हो रहा है। परिवार गुत्थम गुत्था रहा, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, सिपाही दिखाई दे रहा है, लोगों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। बांदा की तस्वीरें आई हैं और जिन लोगों को आप लड़ता देख रहे हैं ये पिता पुत्र है। जमीन का मसला है और तहसील के भीतर ही किस तरीके से एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। आपस में इस कदर लड़ते रहे, आसपास लोग नजर आ रहे जो कि ये तमाशा देखते रहे, और बहुत देर तक ये सब कुछ चलता रहा। खबर लखनऊ से है। बीच सड़क पर नशेड़ियों के बीच मारपीट हुई है। थाना चौकी क्षेत्र के गौतम बुद्ध पार्क के सामने ये नशेड़ी भिड़े हैं। बीच बचाव के लिए पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने जब एंट्री की तो वहां उनसे भी कहा सुनी हो गई। गौतम बुद्ध पार्क के पास ही सड़क पर सर्विस सेंटर चलता है, वहीं पर ये नशेड़ी इकट्ठे होते हैं और आपस में उलझते चले जाते हैं। और लखनऊ में सड़क हादसे में मौत पर बवाल की खबर मिल रही है। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिजनों और पुलिस के बीच नोकझोंक की भी खबर है। काफी समझाने के बाद लोग धरने से उठे। पीड़ित परिजन और पुलिस के बीच भी नोकझोंक हुई है। शव को सड़क पर रख करके धरना प्रदर्शन करते नजर आए जो परिजन है। एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर ही बवाल किया, प्रदर्शन किया। तो उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत की खबर। हादसे में घायल दूसरे युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया। लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में युवक की मौके पर मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसी मौके की। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन गुरुवार को काशी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा घाट पर आरती में शामिल हुई मां गंगा का आशीर्वाद लेते देखा गया। आपको बता दें कि काशी दौरे की शुरुआत पर अजय देवगन ने चेत सिंह घाट और रामनगर किले से की, जहां पर उन्होंने शूटिंग के लिए अलग अलग लोकेशन को देखा। इसके बाद अजय देवगन ने काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। काशी पहुंचे अजय देवगन को देखने के लिए लोग बेताब नजर आए। अजय देवगन ने भी प्रशंसकों को का अभिवादन स्वीकार किया। फिल्म भोला है जिसकी शूटिंग का कुछ हिस्सा वो काशी में फिल्माना चाहते हैं और इसी मद्देनजर वो काशी आए। बढ़िया आएगा। अजय देवगन की ये तस्वीरें आई हैं काशी से। जब वो काशी पहुंचे सबसे पहले तो उन्होंने घाट और किले पर पहुंचकर लोकेशन तलाशी, क्योंकि उनकी फिल्म है भोला, भोले का कुछ हिस्सा वो काशी में फिल्माना चाहते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज होनी है। सीएम आवास पर करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास होने की संभावना है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग से जुड़े भी प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक आज होनी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों की सूची बनकर के तैयार है, उन्हें कैबिनेट में टेबल किया जाएगा, रखा जाएगा और सहमति के साथ कई प्रस्ताव पास भी हो सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि औद्योगिक विकास से जुड़ी जो फाइल है उस पर पहले चर्चा करके उस पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी भी कुछ मसौदे हैं, उस पर चर्चा के बाद
प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज अहम बैठक 10 बजे औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव के पास होने की संभावना बताई जा रही है। कई प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट की इस बैठक में। 10 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और इसके साथ ये माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो देखिए, पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमांचल के दौरे पर सीएम योगी जाएंगे। आज की बात करें तो अलीगढ़ और फिरोजाबाद का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं और यहां प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। अलीगढ़ में दोपहर 1 बजे तो फिरोजाबाद में 3:30 बजे सीएम के पहुंचने की खबर आ रही है। तो देखिए, पूर्वांचल के बाद पश्चिमांचल दौरे की बारी आ रही है और इसी के तहत जानकारी मिल रही है कि कई तरीके की योजनाएं परियोजनाएं इनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। सपा के गढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। अमनपुरी में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुनावी सभा होगी तो वही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और पीएल वर्मा भी जनसंपर्क चलाने वाले हैं। तो देखिए, आप मैनपुरी में सियासी हलचल अपने चरम पर दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की बात करें तो आज डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे। तो इटावा में राजनीतिक विरासत बचाने के लिए सपा ने भी दम लगाया है। शिवपाल सिंह यादव आज करहल और किशनी में जनसंपर्क करेंगे। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में शिवपाल की नुक्कड़ सभाएं भी लगी हुई हैं। डिंपल यादव सैफई में खुद जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। तो अपने ही घर में अपने लोगों के बीच पहुंचकर वोट अपील करने की एक रणनीति बनकर के तैयार है। उसी के तहत तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तो मैनपुरी के महाभारत को आप देखें तो मुलायम की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने 7 महारथियों को मैदान में उतारा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश के ये 7 महारथी डिंपल को चक्रवर्ती बना पाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी मैनपुरी में जीत के लिए दम भरा है। सपा के 7 महारथी क्या डिंपल को बना पाएंगे चक्रवर्ती? विरासत बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने ताकत दिखाई। डिंपल की श्रद्धांजलि वाली हुंकार मैनपुरी में, लड़ाई आर पार। मैनपुरी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सामने अपने सबसे बड़े किले को बचाने की चुनौती है, जिसे बचाने के लिए अखिलेश एंड कंपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। डिंपल यादव घर घर जाकर महिला वोटर को साध रही तो तेज प्रताप यादव ग्राउंड जीरो पर डिंपल की मदद कर रहे हैं। शिवपाल यादव बूथ स्तर पर एक एक वोट को मजबूत करने में जुटे हैं तो राम गोपाल यादव रणनीति बना रहे। वहीं आदित्य यादव और अभिषेक यादव बूथ को टारगेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव इन सभी को लीड कर रहे हैं, क्योंकि भले ही मैदान में डिंपल हो लेकिन साख अखिलेश और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की दांव पर लगी है। क्योंकि जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, अखिलेश ने मैनपुरी में खूंटा गाड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा के ये महारथी मुलायम की विरासत बचा पाएंगे, क्योंकि परिवार तो एकजुट नजर आ रहा लेकिन वोट एकजुट होगा इसकी परीक्षा अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। इस बात को समाजवादी पार्टी के तमाम जो कहा जाए टॉप लीडरान बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और यही वजह है फिर चाहे अखिलेश यादव हों, डिंपल यादव, तेज प्रताप, परिवार के जितने अहम सदस्य हैं, इसके साथ ही जो भी समाजवादी पार्टी के क्षत्रप हैं, लगातार पूरी तरह से मैनपुरी में कैंप किए हुए हैं। हालांकि मैनपुरी की बाजी को जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिंपल अपनी जीत को नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि बता रही है। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है, उनका कहना है कि आप निर्भीक होकर वोट करिए, बूथ पर काम कर रही है। आपको लोगों को क्या लग रहा है, आपका बूथ मैनेजमेंट किस तरह का? बहुत इस बार सारे बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के फेल होने वाले हैं। क्या लग रहा है मैम, चाचा भतीजा पूरा परिवार लगातार जुटा हुआ है, किस तरह? पूरा क्षेत्र लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ का जितना लोग समर्थन कर रहे हैं, जितना लोग प्यार कर रहे हैं, जितना लोग उत्साहित है, तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र की जनता समर्थन कर रही है चुनाव। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा को मुलायम की सहानुभूति का वोट मिलेगा? वहीं मैनपुरी की इस जंग को शिवपाल यादव
और अखिलेश की एकजुटता ने भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि जब से शिवपाल ने बहु डिंपल के लिए प्रचार की बात कही, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा, सभी लोगों से मिला और आशीर्वाद लिया, और प्रयास यही है कि बड़ी से बड़ी जीत आदरणीय डिंपल यादव जी की हो, और उसी को देखते हुए हम लोग ये जो प्रचार है इसमें चल रहा है, और बहुत बड़ा हम लोग को समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि जसवंत नगर अकेले से 1 लाख से ज़्यादा से, सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा से यहाँ की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को लीड देकर मैनपुरी भेजने का काम करेगी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि मैनपुरी इस पर किसका विजय तिलक करेगा, क्योंकि यहाँ पिछले 9 चुनाव से यादव ही सांसद बनते आ रहे हैं, या यूं कहें कि यह सीट सपा के पास ही रही, लेकिन इस बार भाजपा मैनपुरी की पिच पर साइकिल को कड़ी चुनौती दे रही। यही वजह है कि अभेद किला होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की धड़कन बढ़ी हुई है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब बात बीजेपी के दावे की, जो बूथ के दम पर मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भरती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी ने में कभी बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, क्या उसे इस बार जीत मिलेगी? वैसे मैनपुरी में अब तक कोई भी महिला भी चुनाव भी नहीं जीती है, ये भी रिकॉर्ड है। तो क्या इस बार मैनपुरी की कहानी बदलने वाली है? मैनपुरी की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? बूथ पर भाजपा का दावा, क्या बदलेगी मैनपुरी की हवा? समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी को बचाने के लिए जहां पूरी ताकत लगा दी है, वहीं भाजपा ने सपा के इस किले को जीतने के लिए महारथियों की फौज उतार दी है। न सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बल्कि मंत्रियों से लेकर विधायक और सांसदों ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। सरकारों ने हमारी काम किया, उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं, और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है, अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। सर्व समाज के लोग और उसके साथ साथ यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़ा है, क्योंकि देश के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। और किलेबंदी की जहां बात कर रहे हैं, किलेबंदी तो ऑलरेडी मैनपुरी की हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो तो हो गया। हम सब चाहते हैं कि इस बार सपा मुक्त मैनपुरी हो। भाजपा बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी की किशनी और घोगांव विधानसभा सीट के बूथ अध्यक्षों को 3 दिसंबर तक जमीन पर काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पन्ना प्रमुखों को एक्टिव रहने के लिए कहा है। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा कई लेयर में काम कर रही। हमने अपने कार्यकर्ताओं को अब भी आह्वान किया, काम हमने विभाजित करके और घर घर अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा मैनपुरी का इतिहास बदल पाएगी, क्योंकि ये वो सीट है जहां पिछले 3 दशक से भाजपा के हाथ खाली ही हैं। मैनपुरी जो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी मरुस्थल से कम नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने को बेताब है, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक मैनपुरी में 19 चुनाव हुए, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी शक्य उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता, और भाजपा ने रघुराज शक्य को ही मैदान में उतारा। यानी अगर भाजपा मैनपुरी जीती तो एक साथ कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के गले में जो माला पड़ी थी उसमें 3 फूलों की कमी थी। एक फूल आज हम गांव वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल रामपुर वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल की कमी जो रह गई मैनपुरी की, और मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी का एक बूथ का अध्यक्ष उस माला को पूरा करने का काम करेंगे। वैसे डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि आज तक मैनपुरी से कभी कोई महिला चुनाव नहीं जीती। मतलब डिंपल जीते या रघुराज, मैनपुरी की सियासत बदलने वाली है। लेकिन मैनपुरी 24 की हवा बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा ने अगर इसे जीत लिया तो सपा का सबसे बड़ा किला ढह जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का विजय रथ मैनपुरी में रुक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहने लगे कि जहां से पहली बार लड़ा था।
लेकिन सवाल यह है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो डिंपल मैनपुरी से लड़ेंगे, तेज प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल सामने। क्यों क्या करेंगे, खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो क्या डिंपल आगे भी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी तो तेज प्रताप यादव कहाँ जाएंगे? समाजवादी पार्टी का अगर पुराना प्रदर्शन देखा जाए तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए अखिलेश यादव ने आज इशारों इशारों में कन्नौज से लड़ने के लिए इशारा कर दिया। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय के बाद परिवार की एकजुटता हुई है, और इस एकजुटता को देखते हुए ये सीट फिक्स हो सकती है। जैसे अखिलेश के लिए कन्नौज, डिंपल के लिए मैनपुरी, अक्षय यादव के लिए फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव के लिए आजमगढ़, शिवपाल या उनके बेटे आदित्य के लिए इटावा, लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए कहीं कोई सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव कहां से 24 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सीटें पिछले चुनाव में सपा की पकड़ से दूर रही। मतलब एकदम सीधा है, अखिलेश यादव ने कन्नौज से एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जो मैनपुरी उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव के जंग की, जिसकी तारीख का ऐलान भले ना हुआ हो लेकिन बिसात अभी से बिछड़ने लगी है। आज सीएम योगी झांसी और प्रयागराज गए थे, अगर कल की बात करें जहां उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर हवा दे दी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो ऐलान किया कि वो अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव की लड़ाई बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक चढ़ाई, सिंबल पर चुनाव लड़ेगी सपा, निकाय में लाल या भगवा। जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर मैनपुरी, रामपुर और खतौली का सियासी पारा चढ़ा है, वहीं सीएम योगी ने प्रयागराज और झांसी का दौरा कर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ा दी। सीएम योगी ने प्रयागराज में 1294 करोड़ और झांसी में 322 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने निकाय चुनाव के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, उससे एक बात साफ हो गई कि भाजपा अभी से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आपने देखा होगा जो माफिया पहले प्रयागराज को कैद करके बंधक बना करके यहाँ की विकास की परियोजनाओं में पहले बनते थे, आज एक माफिया किस कलर करा रहे हैं, आज सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करती है और गरीबों के आवासीय सुविधा वहां पर बनाने का कार्य भी करती है। सीएम योगी को देख समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ गई है। सपा ने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और तैयारी जमीन पर तेज हो गई है। आगे आने वाला जो चुनाव है इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि स्थानीय लोगों का चुनाव है और स्थानीय निकाय नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी हासिल करेगी। दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से जुटी है। समाजवादी पार्टी ने सभी जगहों पर अपने पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त कर दिए हैं। 2017 में जहां समाजवादी पार्टी एक भी मेयर की सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो वहीं इस बार उसका दावा है
कि वो ना केवल मेयर की सीट जीतेगी बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्षों की भी जो सीटें हैं, जो पद हैं, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करेगी। जानकारों की माने तो शीतकालीन सत्र के बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार बढ़े हुए वोट किसका खेल खराब करेंगे, क्योंकि इस बार न सिर्फ वोट बढ़े हैं बल्कि निकाय भी बढ़े हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।